नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। डिंडोरी जिले के बजाग मुख्यालय में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक बजाग गोरखपुर सड़क मार्ग पड़ने वाली विजाखंड नदी पूरे शबाब पर थी। बारिश के चलते पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जन जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल वाहन और राहगीर नदी पार करने का काम कर रहे थे। जवाबदार अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया। गौरतलब है कि बजाग मुख्यालय में भारी बारिश के चलते आवास मोहल्ला के घरों में पानी घुस गया। ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में पानी घुसा। काफी लंबे समय से नाली निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन काम को अंजाम तक पहुंचाया नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। नेमचंद के घर से गोरखपुर मुख्य मार्ग तक रोड स्वीकृत हुई थी, जिसमें लगभग 100 मीटर करीब रोड बना है, उसके बाद अधूरा है। और एक है गोरखपुर मुख्य मार्ग से लेके और कमलदास के घर तक स्वीकृत हुई थी। तो जब एक बार जब स्वीकृत हो गई नेमचंद के घर से गोरखपुर मुख्य मार्ग तक, तो पूरा रोड क्यों नहीं बना? और दो दो बार स्वीकृत होने के बाद भी रोड आखिर अधूरी पड़ी है, और बीच में जहाँ लोग बाग रह रहे हैं, जहाँ आना जाना है, वहाँ पे रोड अभी तक नहीं बना है। और कई बार लोगों के द्वारा जानकारी भी दिया गया है, तो उसके बाद भी पंचायत बिल्कुल मौन बैठी है। पंचायत को किसी भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, खास करके बजागमाल आवास मोहल्ले में। सरपंच तो यहाँ से गुजरती भी नहीं है, और उनका भी तो चेहरा देखना दुर्लभ हो गया है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।